हम तो फिर जीत जाएंगे। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? बस जीत जाएंगे सर। तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। सर इसका मेडिकल कराओ, दारू पी कराए हो गए, इसका मेडिकल कराओ। श्री भागवत मान जी पर श्रीमान माननीय है, और श्रीमान जितना आपने टोका टुकी करी है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बात बात पे मेरा प्रधानमंत्री कुछ मेरा नहीं अब। चलो सबके, आपने मुझे मौका दिया अन अधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने का ये बिल है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट में हूं। हालांकि मेरी पार्टी की सरकार, अब मेरी हमारी पार्टी की सरकार है आम आदमी की, लेकिन 7,500 करोड़ मान्यवर 7,500 करोड़ वहां पे खर्च कर दिया, यहां पानी ही नहीं पहुंचा था 70 साल से, 70 साल से पानी नहीं पहुंचा था वहां पे, जहां पे टैंकर माफिया था। नहीं, टैंकर माफिया था तो यहां तो फिर कांग्रेस और दोनों की थी ना, हमारी पार्टी की सरकार तो सिर्फ पिछले दिन ही आई है ना, पिछले कुछ सालों से। तो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं, तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी ये हो गया सर 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 इनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं। हाँ दुख बहुत है भाई, इनको दुख बहुत है भाई, दुख है क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाएगी, अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हम तो क्या करें फिर। अब देखो ये मेरी कर रहे हैं, दिल्ली इनकी नहीं है, दिल्ली अब इनकी नहीं है। राजधानी में 3 MLA हैं, राजधानी में 3 MLA मान्यवर, राजधानी में 3 MCD किसकी है, DDA किसका है, वो सब आपका है। अब रविदास का मंदिर तोड़ देते हो सब कुछ हो जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है। बैठिए विदुड़ी साहब, आराम से बैठिए। मतलब मान्यवर मतलब राजधानी में 3 MLA के, खैर कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है। माननीय सदस्य को बोलने दे, और माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय तो आप पॉलिटिकल भाषा बोल सकते नहीं, आप इस विधेयक पर बोलिए। हाँ विधेयक पर बोलिए। 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, 16,00,000 घरों का जीरो बिल आया, तो किसने किया ना जी, अरविंद मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने, जो आता है दिल्ली। सर मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है, आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? बस जीत जाएंगे सर।
तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। हाँ एमसीडी, दिल्ली में तीन सरकारें हैं सर, एमसीडी, डीडीए और अरविंद केजरीवाल। मतलब बैठिए माननीय सदस्य, सीनियर वरिष्ठ सदस्य ज्ञान दे रहे हैं आपको, लीजिए। राजेशन के बिल पर हम बहस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करना हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए, डिबेट हो जाए। ठीक है माननीय सदस्य। सर मैं इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन पिछले तीन घंटे से यही हो रहा था जो अब ये कर रहे हैं। गालियां धरती पर हैं, बैठिए वो हमें, एक मिनट बैठिए, हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला ज्यादा इसके अलावा, तो मैं नेक्स्ट माननीय सदस्य को बुला दूंगा। बोलिए आप बिल पे, बोलिए। थैंक यू वेरी मच, अब मुझे मौका मिला है। आप भी शांत रहिए, इनको बिल पे बोलने दीजिए। मान्यवर मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूँ, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ, मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूँ। चैटी बिगिंस एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा फिर तो। सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग? देखो हम अन्य अधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल जो कैबिनेट ने 2015 में, नवंबर 2015 में कैबिनेट ने पास कर दिया था, जो दिल्ली की कैबिनेट ने, अब तक लागू क्यों नहीं किया? अब आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है सर। ज्यादा जोर से मत बोलो, दारा पीडी भी लग जाएगी। नहीं सर, सर मेरा गला बहुत कमाल है। नहीं इसको जार जार से तोड़ बोल दबा रहे हो ना, अब आप कहिए टूट दे तो धारा 3 PDB लग जाएगी आपके। मान्यवर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये बिल अब क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कह के मैं बैठ जाऊंगा ही, के सरहद पर चुनाव नहीं, सरहद पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या। सर बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली के 40 लाख लोग, गरीब लोग जो रहते हैं 100 गज से कम के प्लॉटों में, छोटे प्लॉटों में जीवन बसर कर रहे हैं, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का। और लोग ये कहेंगे कि होम मिनिस्टर साहब के साथ क्यों कह रहे हैं अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, इस बात के लिए 40 लाख जो लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इस बिल को लाने के लिए जो 40 साल से लोग तड़प रहे थे कि हम दिल्ली में अपने मकानों में तो रहते हैं, ये मकान हमारे हैं भी है नहीं है सर। सर दिल्ली देश की राजधानी है, सबका यहां पर रहने का अधिकार है, और राजधानी में लोग अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए गांवों से निकलकर अर्बनाइज शहरों की तरफ आए थे सर। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जाएंगे तो सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये देश का दुर्भाग्य भी रहा, क्यों ये भूल गए कि दिल्ली में शासन करने वाले लोग कौन बैठे हुए जब उन लोगों ने यहां आना शुरू किया सर। सर दिल्ली के अंदर 1957 के अंदर डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया तत्कालीन सरकारों के माध्यम से। अभी जो रेड्डी जी बोल रहे थे, बड़ी लंबी लंबी बातें, इनकी सब बातों का जवाब भी दूंगा मैं। अच्छा होता कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष से लेकर लोग मौजूद रहते और दिल्ली की पीड़ा के बारे में समझते और वहां पर कुछ इस प्रकार के सुझाव देते सर। सर डीडीए के अंदर, सर डीडीए के अंदर अभी बताएगा सर, कहे ना चिंता करते हो सर। डीडीए के अंदर सर, डीडीए ने एक भू माफिया के रूप में काम करना शुरू किया और गांव के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव पर खरीदकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया, और तत्कालीन सरकारों के माध्यम से वो जमीनें लुटनी शुरू हो गई उन चहेते राजदार लोगों के पास जो शासन करने वाले उस समय के लोग थे, कांग्रेस के रूप में राज कर रहे थे सर। वो बंटवारा हो रहा था सर उस जमीनों का, किसान व्यतीत था कि कौड़ी के भाव मेरी जमीन ले ली जाती है और बाद में उसका व्यापार किया जाता है। किसानों ने भी सर कॉलोनाइजर्स के माध्यम से यहाँ पर कॉलोनी कटवानी, जमीनों में कॉलोनाइजर को जमीनें देनी शुरू कर दी और यहाँ पर अनियमित कॉलोनी के रूप में लोग
आकर जब डीडीए प्रोवाइड ही नहीं कर पाई उन लोगों को मकान देने के लिए, व्यवस्था ही नहीं कर पाई तत्कालीन सरकारें, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि देश के राज्यों से लोग दिल्ली में अगर आए हैं रोजी रोटी के लिए, उच्चतर अपने उच्च भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, तो उनकी चिंता करनी चाहिए। कभी चिंता नहीं की सर उन सरकारों ने। अगर वो चिंता करते होते तो दिल्ली की 1071 कॉलोनी से बढ़कर आज 2300 कॉलोनी अनियमित कॉलोनी नहीं कही जाती सर। सर 1857 में डीडीए के बाद यहाँ पर एक स्थिति पैदा हो गई। स्थिति क्या पैदा हुई सर कि जब 1957 में 1987 के अंदर जब ये व्यवस्था हुई, अव्यवस्था दिल्ली में फैलने लगी अनियमित कॉलोनी के माध्यम से, तो 1987 में बालकृष्ण के नाम से कमेटी का गठन हुआ कि यहाँ पर दिल्ली की व्यवस्था कैसी बनाई जाए। अब तो दिल्ली राज्य की तरह हो गई है, लोग आ गए हैं, स्लम बनता हुआ जा रहा है, तो वहां पर बालकृष्ण की कमेटी के माध्यम से वहां पर सर एक संघीय ढांचे के रूप में जो दुनिया के देशों के अंदर संघीय राजधानी है उनका स्टडी किया गया उन विद्या बुद्धिमान लोगों ने, और 1991 के अंदर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का संकल्प लिया कि राष्ट्रीय राजधानी होगी, और वहां पर विदेशों के अंदर भी जो संघीय राजधानियां थी वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये उन बुद्धिमान लोगों ने तय किया कि ये केंद्र के पास रहना चाहिए। केंद्र के पास क्यों रहना चाहिए सर, आपके माध्यम से मैं दिल्ली की और देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जिसके लिए दिल्ली में बैठे हुए एक नौटंकी मुख्यमंत्री हमेशा इस प्रकार की नौटंकी करते रहते हैं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दो तो मैं कर दूंगा। वो बुद्धिजीवी लोग समझते थे कि दिल्ली में इस प्रकार के अनारकी लोग भी कभी कभी सत्ता में आ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए सर, यहाँ पर एम्बेसीज है, यहाँ पर सभी राज्यों के भवन है, उनको सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पर एनडीएमसी के अंदर वीआईपी एरिया के अंदर सारे वीआईपी लोग रहते हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अपने पास रखा उस कमेटी के माध्यम से 1991 के अंदर, और लैंड अपने पास इसलिए रखी अर्बनाइज लैंड सर कि उन बाहर के भवनों को अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर धरने पर भी बैठे थे, जो मुख्यमंत्री अनारकी करेंगे। इस प्रकार से ये 1991 के अंदर एनसीसी एक्ट बन गया। लेकिन 1993 में जब बीजेपी की सरकार 1993 में खुराना जी के नेतृत्व में बनी सर, खुराना जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सर्वे कराया गया, एरियल सर्वे जनवरी 1994 तक का, केंद्र में नरसिम्हा जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की थी सर, और 1071 कॉलोनियों का सर्वे करने के बाद क्योंकि लैंड का मामला केंद्र सरकार के अधीन था सर, इसीलिए केंद्र को वो फाइल भेज दी कि 1071 कॉलोनियों को पास किया जाए, क्योंकि मानसिकता बता रहा हूं मैं अधीर जी, आप जो कल भी कह रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी कांग्रेस की असलियत जान जाओगे तो आप भी कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आ जाओगे। तब सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फाइल को 10 साल दबाकर रखा सर। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार थी, अगर तब लैंड केंद्र के पास होने के साथ इन कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया जाता तो दिल्ली स्लम ना बनती सर। और अभी रेड्डी साहब बोल रहे थे मेट्रो के माध्यम से, अरे रेड्डी साहब 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शास्त्री भवन आनंद विहार से लेकर मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में किया था। शिराजी तो मुख्यमंत्री बने 7 दिन नहीं हुए थे, इस मेट्रो को दिल्ली के अंदर लेकर आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना लेकर आए थे, लेकिन प्याज के कारण से 1998 में सरकार बन गई और उसका श्रेय लूट रही है, शिराजी मेट्रो लेकर आई थी। ये आंकड़ों हैं, ये कागजों में देखिए, आरटीआई लगाइए आप लोग कि दिल्ली के अंदर मेट्रो और दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ेगी, इनका सवारियों का व्यवस्था कैसे की जाए, ये सपना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का था सर। इनको टाइम मिलेगा बोलिए सर, कितना भी बोल लेना, बाद में जवाब दे दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। अंडर व्हाट रूल, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, सर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, या तो मेंबर कहे कि राजनीति में मेंबर सिद्ध रिजाइन कर देंगे, वरना रमेश बिदूरी कहता है कि अगर खुराना जी ना रहे तो राजनीति में मेंबर सिद्ध रिजाइन कर दूंगा। एक जो गुमराह करते हो आप हाउस को, देखो ऐसी बातें बोलने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था पहली मेट्रो का बस अड्डे से लेकर, कब तक देश को गुमराह करते रहोगे आप लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके। इसलिए सर ये रूलिंग बाद में करते रहे ना, दिल्ली के 40 लाख लोगों के भविष्य का मामला है, 40 साल तक नौटंकी करते रहे, प्लीज मत कीजिएगा आप लोग। अब सर कांग्रेस की सरकार बन गई, और इसीलिए सर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, शिलाजी की सरकार बनने के बाद 2013-12 तक जो नौटंकी होती रही उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज ये कॉलोनी पास हुई है तो ये कॉलोनी पास हुई है सर, देश के महान सपूत भारत के दुनिया के नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका विजन था जाके पैर न पड़े बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, वो गरीब परिवार से निकल कर आए थे और गरीब की पीड़ा को समझते थे, वो इस कांग्रेस के राजनीतिक लोगों के माध्यम से any derogatory remark as against any person will be expunged from the record, don't worry. Honorable member, be content.
government reversal? Speak on the subject. Don't make any comments about others. Please. Subject pe bol raha hu, sir. No, I already gave my ruling. Anything derogatory, sir? against any sir? Person, it will be expunged. Don't worry. Sir, 1 June 2015 को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी घोषणा की थी कि देश की आजादी के 75 साल 2022 तक पूरे हो जाएंगे, देश के हर वर्ग हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। जब सबके पास अपना मकान होना चाहिए तो दिल्ली के 40 लोग अनऑथराइज कॉलोनी के नाम से, वो बेचारे गरीब लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपने मकानों के मालिक क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्लीज गो टू योर सीट। प्लीज नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर मैनर। ये वन ऑफ देम नॉटन की बात। तो सर, दिल्ली के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की पीड़ा को देखते हुए ये निर्णय लिया कि ये दिल्ली की सभी कॉलोनी पास होनी चाहिए। सर, 1998 के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बन गई, फिर देखो अधीराय जी खड़े होंगे। सर, 2007 के अंदर कैसा खिलवाड़ किया गया देश की राजधानी में रहने वाले उन गरीब लोगों को जो विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में वास करते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। सर, वोट बैंक की राजनीति की गई। 2008 में पुनः चुनाव होना था, जब 2008 में चुनाव होता 2007 के अंदर शीला जी ने क्या किया? सर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नाम से एक ड्रामा हुआ रामलीला मैदान के नाम से। चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस कैसे ना बोलूंगा सर? 40 लाख लोगों के साथ में चल हुए, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ राजनीति हुई है, ये उनकी पीड़ा है, कैसे ना बोलूंगा सर? कौन रोक देगा सर मुझे बोलने से? जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए कांग्रेस की बड़ी नेता। कांग्रेस की बड़ी नेता पर कॉन्ट्रोवर्सी, उन्होंने 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और ये कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट 2008 में, क्योंकि 8 में चुनाव होने थे। हेलो ऑनरेबल मेंबर, हमारी सरकार बताऊंगा, प्लीज गो टू हटो जा, अजीत बताऊंगा सर, इसका मेडिकल कराओ, दारू पी कर आए हो गए, इसका मेडिकल कराओ। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज कंडेम सर, कंटेंट डोंट इनवाइट कंट्रोवर्सी सर, आई एम गोइंग ओनली कंटेंट। 2007 में जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए, सर सोनिया यू मेंशन द ईयर, इट विल बी अंडरस्टूड। डोंट गेट एनी नेम सर, गरीब लोग, गरीब जनता नहीं जानती, वो आठवीं फेल है, मजदूर लोग हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, उनको सच्चाई पता लगनी चाहिए। देश को कौन लोग लूट कर सोच रहे थे उनको नहीं मालूम सर। सर सोनिया जी तो मेंबर है ना हाउस की, सर उनका नाम तो ले सकता हूँ ना सर। सर 2007 में सोनिया जी के माध्यम से लोगों को ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस बड़ी सिंसियर है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाई और 2008 का चुनाव जीतने के बाद 2008 का चुनाव जीतने के बाद केंद्र में भी कांग्रेस, दिल्ली में भी कांग्रेस, फिर एक अमेंडमेंट कराया गया लोकसभा के अंदर, इसी लोकसभा के अंदर पास किया गया सर, और वहां पर अमेंडमेंट कराया गया कि 2008 के अंदर रेगुलेशन 2008 एक्ट पॉइंट 5.3 एंड 5.4 वहां पर तय कराया गया कि एनसीटी एक्ट को बदलकर ये लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर लेआउट प्लान बनाने का अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क किस परसेंट पे लिया जाए।